दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल आल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाएंगे आपको केसमेंट विंडो और डोमाल विंडो, तो थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे, कौन सी विंडो बेटर होती है, कौन सी विंडो का आप यूज़ कर सकते हैं और इनकी कॉस्ट क्या होती है, इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। विंडो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिखाएंगे इनके कौन से सेक्शन यूज़ किए जाते हैं केसमेंट विंडो में और डोमाल विंडो में, इनमें कितना फर्क आता है, कौन से सेक्शंस हैवी वेट होते हैं, कौन से सेक्शन लाइट वेट होते हैं, तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो होने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको आउटर सेक्शन दिखा देता हूँ केसमेंट विंडो में, जो जो केस सेक्शन हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ किस तरीके के सेक्शंस आप केसमेंट विंडो बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 63 mm बाई हमारा 38 mm का ये सेक्शन है, इसका भी आउटर आप बनाकर केसमेंट विंडो बना सकते हैं और इसमें कौन कौन से पल्ले आप चला सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और किस किस तरीके का आउटर आप बना सकते हैं ये भी मैं दिखाने वाला हूँ, विंडो भी आपको दिखाएंगे। तो इसका भी आउटर आप बना सकते हैं, इसमें सिंगल ग्रुप का इस्तेमाल करके आप आउटर बना सकते हैं। तो इसी के बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूँ जो कि हमारे केसमेंट विंडो बनाई जाती हैं उनमें जो नीचे की तरफ यानी कि कब्जे की तरफ जो सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, ये देख सकते हैं कब्जे की तरफ हम इस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो कि क्लोजिंग साइड होती है, क्लोजिंग साइड में मैं दिखा देता हूँ इस तरीके के सेक्शंस जो कि हमारे होते हैं। ये एक सिंगल टांग होती है इसमें, यानी कि आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये एक तरफ से इस तरीके का होता है, यानी कि ये वाली चीज़ उस सेक्शन में नहीं होती। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छी केसमेंट यानी कि हैवी केसमेंट विंडो बनाने के लिए 16 गेज में। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का सेक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 43 mm बाई 43 mm का सेक्शन है और ये 16 गेज में है। 16 गेज में इसकी कॉस्ट भी बताएंगे आपको और 18 गेज में भी कॉस्ट बताने वाले हैं तो कितनी कॉस्ट इसकी हो सकती है। तो दोस्तों ये 43 mm बाई 43 mm का सेक्शन और इसके और भी मैं जो कि जैसा कि ये भी मैंने ये सेक्शन आपको दिखाए थे तो इसी के साथ कि कौन कौन से सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए अगर आप छोटी केसमेंट विंडो बनाना चाहते हैं, अभी जो कि मैं एक वीडियो भी दिखाऊँगा आपको, एक केसमेंट विंडो भी दिखाऊँगा आपको, तो वो इसी में बनी हुई है और पूरा दिखाएंगे हम किस तरीके से वो बनी हुई है। तो दोस्तों इस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस्ट अगर कम करने चाहते हैं, और ये 16 गेज की ही ट्यूब है और इसका भी आउटर आप बना सकते हैं और इस चीज़ का पल्ला इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा हैवी बनाना चाहते हैं तो जो सेक्शन मैंने पहले दिखाया था उस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको 19 mm बाई 60 mm का सेक्शन भी बोलते हैं। और दोस्तों इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दो साइड आप पल्ले चलाना चाहते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ जाली का पल्ला लगाना चाहते हैं और बाहर की तरफ आप गिलास का पल्ला लगाना चाहते हैं, तो 100 mm की ये ट्यूब होती है, 100 mm बाई 25 mm की ये ट्यूब है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं आउटर बनाने के लिए। ये दो पल्ले आप इसमें चला सकते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो दोस्तों अब दिखाते हैं थोड़ा सा आपको इस सेक्शन में बनी हुई केसमेंट विंडो जो कि इस सेक्शन में इस्तेमाल किया है हमने और इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल किया है, और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन का भी उसमें इस्तेमाल किया है। तो इसी का हम दिखा देते हैं एक विंडो आपको बनी हुई, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने इसमें यूज किए हैं 1.5 की ट्यूब और पल्ले के लिए जो सेक्शन यूज किए हैं, पल्ले के लिए यूज किया है हमने 45 19 का सेक्शन यूज किया है और इसमें हमने फ्रोस्टेड शीशा यूज किया है, माल जिंदल का है और ईपीडीएम हमने रबड़ यूज की है। हाँ, ये जो रबड़ इसमें लगी हुई है ये ईपीडीएम यूज की है, ईपीडीएम रबड़ है इसमें, और ये हमने स्टील के हिंज यूज किए हैं इसके अंदर। स्टील के हिंज यूज करने का बेनिफिट क्या है इसका? अगर स्टील के हिंज से एक बेनिफिट है हमारा, कभी पल्ला भविष्य में लटकता नहीं। अच्छा अच्छा, ये एक बेनिफिट होता है। और ये जो चटकनी है ये तो एल्युमिनियम की है। हाँ वो तो ठीक है। और इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट कितनी होगी लगभग? इसकी कॉस्ट 4 से 4,500 रुपये। अच्छा अच्छा, साइज क्या होगा इसका? साइज 2.5 बाई 2.5 और 16 गेज की बनी हुई ये विंडो है। तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं आप केसमेंट विंडो, छोटी सी एक केसमेंट विंडो है जो कि हमने 16 गेज में बनाई है। कौन कौन से सेक्शन इसमें हमने यूज़ किए हैं तो टोटल उसी के बारे में बताया, कॉस्ट के बारे में बताया और सेक्शंस के बारे में बताया कौन से सेक्शन इसमें हमने यूज़ किए हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी केसमेंट विंडो जिसमें हमने फ्रोस्टेड ग्लास यूज़ किया है। ये देख सकते हैं दो चटकनी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दो टावर बोल्ट का इसमें हमने इस्तेमाल किया है। और ये ट्यूब में बनी हुई पूरी विंडो है, ये देख सकते हैं। इसमें हमने जो दो सेक्शन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि एच बॉटम का इस्तेमाल किया है और ये सिंगल टंगा यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये वाली जो सिंगल कॉलर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अब दिखा देते हैं हमारा जो डोमाल विंडो होती है वो कौन कौन से सेक्शन उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा ट्रैक होता है यानी कि आउटर होता है, तो इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये 16 गेज का सेक्शन है और 16 गेज की अगर बात करें तो लगभग 6 से 7 किलो की ये लेंथ होती है। और इसकी अगर बात करें थ्री ट्रैक की, तो थ्री ट्रैक में क्या होता है कि दो पल्ले गिलास के हो जाते हैं, एक जाली का पल्ला हमारा लग जाता है, और टू ट्रैक में दोनों गिलास के ही चल पाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके जो हमारा पल्ले बनाए जाते हैं यानी कि डोर्स बनाए जाते हैं, तो ये देख सकते हैं इस तरीके का सेक्शन होता है जो कि डोमाल जिसे बोला जाता है 2765 सीरीज के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छी विंडो इसकी होती है। कॉस्ट के बारे में बताएंगे, इसकी विंडो भी आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके की विंडो बनाई जाती है। और दोस्तों ये दिखा देना चाहता हूँ मैं, इधर देख सकते हैं ये जो इंटरलॉक पत्ती है ये डोमाल में इस्तेमाल की जाती है, इसका कहीं और यूज़ नहीं किया जाता। डोमाल विंडो बनाने के लिए पल्ले के जो कवरिंग होती है ताकि मच्छर अंदर ना पाएँ और कोई किसी भी तरीके का डस्ट या साउंड अंदर ना पाए, तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं इसमें ब्रश डाला जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई फिनिशिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना पाए और साउंड थोड़ा बाहर की तरफ ही रहे, अंदर की तरफ ना पाए, थोड़ा साउंड प्रूफ बन जाता है। अच्छी विंडो इसकी बन जाती है। डोमाल में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इंटरलॉक पत्ती। अब देख सकते हैं दोस्तों इसके लॉक्स वगैरह, तो लॉक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं अगर कंपनी के लगाए जाते हैं, यानी ब्रांडेड इसमें अगर इस्तेमाल किया जाए, जैसे पैगो होता है, क्रोम होता है, तो इन चीज़ के लॉक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, ईगल्स वगैरह, क्रोम, पैगो, तो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा विंडो बन जाता है। थोड़ा सा विंडो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारी विंडो है जो कि डोमाल की है। थोड़ा सा नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप हमेशा रखिए। केसमेंट विंडो जो होती है वो सीधे सीधे आप बना सकते हैं। और तो दोस्तों देख सकते हैं ये है डोमाल विंडो जो कि हमने जो है थ्री ट्रैक में बनाई हुई है, और इसका मैं दिखा देना चाहता हूँ। इधर से भी आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली हमने क्या है, इंटरलॉक पत्ती का इस्तेमाल हमने किया हुआ नहीं है, एक सैंपल है, तो सैंपल को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें EPDM रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक की पत्ती जो होती है, लॉक को पत्ती को किस तरीके से लगाया जाता है, इसके लिए भी यहाँ पर पत्ती लॉक के साथ ऑटोमेटिक आती ही है। और ये जाली के इस्तेमाल, ये जो जाली इसमें लगी हुई है 304 की जाली है, 304 ग्रेड होता है एक स्टील का जो कि हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसका व्हील दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये व्हील ब्रांडेड है। अगर लाइफ टाइम आपको विंडो बनानी है और लाइफ में किसी भी तरीके की आप दिक्कत नहीं चाहते तो आप इस तरीके के व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, ब्रांडेड व्हील है, ईगल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो विंडोज़ होती हैं उनमें हम ईगल के व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं और ये एलेंकी से हमेशा लगाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एलेंकी सिस्टम इसमें दिया हुआ होता है। तो दोस्तों व्हील्स अगर आपके बैटर होते हैं तो विंडो भी काफ़ी अच्छी चल जाती है और उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। EPDM का रबड़ आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि EPDM रबड़ हमेशा अच्छी होती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप हमेशा अगर चेंजिंग भी करेंगे, कहीं भी विंडो में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती, गिलास कांच वगैरह टूटता है, अगर कच्चा गिलास इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो रबड़ हमेशा वही लग जाएगी, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, रबड़ चेंज करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों हमने बात की केसमेंट विंडो की और डोमाल विंडो की, अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारी केसमेंट विंडो में बहुत सारे सेक्शन मिल जाते हैं। अगर आप केसमेंट विंडो बनाना चाहते हैं तो 1000 रुपये, 1200 रुपये स्क्वायर फीट तक का भी सेक्शन आपको मार्केट में मिल सकता है जिसकी आप विंडो बना सकते हैं। जिंदल, जैसे कि जिंदल में भी बहुत सारे सेक्शन, कम से कम 20 सेक्शन केसमेंट विंडो के लिए जिंदल में मिल जाते हैं। अब क्या है कि लोकल, जैसे कि लोकल में भी रेगुलर सेक्शंस में भी आप केसमेंट विंडो बना सकते हैं और जिंदल में भी बना सकते हैं। जिंदल में कम से कम 20 क्वालिटी आपको मिल जाती है, जैसे कि जेड सेक्शंस, छोटा जेड, बड़ा जेड और आपका मूलियन, बहुत सारी क्वालिटी आपको जेड सेक्शन में मिल जाती है। साउंड प्रूफ विंडो बनाने के लिए भी आपको मिल जाती है, डबल साइडेड ग्लास लगाने के लिए आपको मिल जाती है, बहुत सारी उसमें मतलब सेक्शंस आपको मिल जाते हैं। अब डोमाल में क्या है, डोमाल में आपको सिर्फ 3 चॉइस मिलती हैं, सत्या, लोकल एंड जिंदल, 3 क्वालिटी हैं। ठीक है, 3 क्वालिटी में, अब इनके साइज भी बता देता हूँ। जिंदल में देखिए अगर सेक्शन आपको मिलता है तो 2765 भी मिल जाता है, 35x75 भी मिल जाता है, यानी कि 35mm x75mm का सेक्शन भी मिल जाता है। मगर इन सेक्शन में देखिए जाली लगाने का सिस्टम बहुत ही अलग होता है
और जो कि नॉर्मल सत्या वगैरह या फिर 27-65 की जिंदल की सीरीज आप लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि यू चैनल पर आपकी जाली लगाई जाती है, और जो 35 mm by 75 mm के जो सेक्शन होते हैं उनके लिए अलग से एक क्लिप आता है जिससे जाली लगाई जाती है। तो बहुत सारे सेक्शंस आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर क्वालिटी की बात करें देखिए जिन तो यहाँ पर डोमाल विंडो जो होती है, डोमाल विंडो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती है, इनके मेंटेनेंस में बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम नहीं आती, इनका मेंटेनेंस काफ़ी समय तक चल जाता है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वाटर भी अंदर नहीं आता, पानी जो बहाव होता है वो बाहर की तरफ ही होता है। इनमें एक सिस्टम बनाया जाता है जो कि बाहर की तरफ रहता है। केसमेंट विंडो में आपका थोड़ा सा पानी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो कि ये डोमाल विंडो होती है, डोमाल में हम बाहर से ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाते हैं जो कि पानी बाहर की तरफ जाता है, तो किसी भी तरीके की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती और मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा चल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो देखिए नॉर्मल सेक्शन में आप अगर केसमेंट विंडो बनाना चाहते हैं तो लगभग 450 से 500 रुपये स्क्वायर फीट में आपकी केसमेंट अच्छी विंडो बन जाती है 16 गेज के सेक्शन की अगर बात करें तो। और यहीं पर अगर आप डोमाल विंडो की बात करें तो डोमाल विंडो आज की डेट में 550 से 600 रुपये स्क्वायर फीट से उसका काम स्टार्ट होता है 16 गेज में। हैवी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं पर अगर छोटे विंडो होती हैं जैसे कि आपका 3x3 है और 4x3 है तो इनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, 800 से 900 रुपये स्क्वायर फीट ये विंडो बनाई जाती है। जितना छोटा साइज होता है उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जितना बड़ा साइज होता है उसकी उतनी ही कॉस्ट कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जो बेसिक जानकारी जैसे कि केसमेंट विंडो की और डोमाल विंडो की। जो लोग घर में लगवाना चाहते हैं उनको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके की विंडो घर में इस्तेमाल करें ताकि मेंटेनेंस भी कम हो और थोड़ा खर्चा भी लाइफ टाइम कम हो। देखिए केसमेंट विंडो में एक बार आपका खर्चा कम हो जाता है मगर फिर थोड़ी दिक्कत आने लगती है मेंटेनेंस में। और यहीं पर जिंदल ये सॉरी आपका डोमाल विंडो की अगर बात करें तो डोमाल विंडो में थोड़ा सा कॉस्ट शुरू में स्टार्टिंग में आपका लग जाता है मगर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों ये थी हमारी थोड़ी सी केसमेंट विंडो और डोमाल विंडो के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।